और आजादी जो एक दिन में नहीं सैकड़ों साल से ज्यादा लग गए उसके बारे में बोलना चाहूंगा। और जो हमारे मेहमान यहाँ पर है उनको भी उसमें शामिल करूंगा। आजादी और जंग की आजादी के जो हीरो रहे, स्वतंत्र सेनानी रहे, उनके बारे में मैं कुछ करना चाहता हूं और आप लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं। मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरजू, मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरजू, साहिस दीदार में सब कुछ लुटा दिया, साहिस दीदार में सब कुछ लुटा दिया। किसी ने दी खबर के वो आएंगे रात को, किसी ने दी खबर के वो आएंगे रात को, इतना किया उजाला के घर तक चला दिया। हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली और एक दिन में नहीं मिले। ये मैं जो शेर बोला आजादी के ऊपर बोला, जंग आजादी के जो शहीद थे जो लड़े उनके बारे में बोला और हमारे यहाँ जो गेस्ट थे उनको भी उसमें शामिल किया कि मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरजू, मुद्दत से थी किसी से मिलने की आरजू, ख्वाहिशे दीदार में सब कुछ लुटा दिया। किसी ने दी खबर के वो आएंगे रात को, किसी ने दी खबर के वो आएंगे रात को, इतना किया उजाला कि घर तक जला दिया। फॉर रिस्पेक्ट आई ऑल्सो वांट टू से दैट ऐ वादे सिवा क्या तूने सुना। मैं अपने जंगी हीरो के बारे में बोलना चाह रहा हूं। ऐ वादे उनके रिस्पेक्ट में, ऐ वादे सिवा क्या तूने सुना, मेहमान जो आने वाले थे। ऐ वादे सिवा क्या तूने सुना, मेहमान जो आने वाले थे, कलियां न बिछाना राह में, हम आंख बिछाने वाले हैं, हम आंख बिछाने वाले हैं। जब अंग्रेजों के जुल्म सितम से हिंदुस्तान के बादशाह नवाब राजा महाराजा सभी रियासत जब उससे परेशान हो गई तो अंग्रेजों का मुकाबला जाकर श्रीरंगापट्टनम में नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान से सबसे पहले हुआ, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत जिसकी हुकूमत जिसके राज में जिसके सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था वो एक मामूली सी रियासत से हार गया। और उस वक्त उसके लिए इतनी बेइज्जती की बात हुई कि जिसके राज में इतना बड़ा राज था कि सूरज नहीं डूबता था और वो एक मामूली सिपाही से हार गया, उसके लिए बहुत, अगर कोई सुपर पावर आज के डेट में हारता है तो उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात होती है। उस जमाने में उन्होंने ब्रिटिश ने नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान से जंग हार जाता है और आगे फिर लड़ाई होती है जिसमें टीपू सुल्तान बादशाह होते हुए मैदानी जंग में शहीद हो जाते हैं। जो लड़ा था सिपाही की तरह भारत में ऐसा बादशाह न हुआ, जो लड़ा था सिपाही की तरह भारत में ऐसा बादशाह न हुआ, रूह तो तन से हो गई जुदा, तलवार हाथ से जुदा न हुआ। उन्होंने ही नहीं लड़ा बल्कि आपने जानते हैं कि महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल और हजारों शहीद, हजारों सिपाही, सुभाष चंद्र बोस,
ये मुल्क आजाद नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और अवंती बेगम जिसने भी इन्होंने लड़ा, और आप जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आप जानते हैं। और मैं कुछ चंद बातों और रखकर आपसे जुदा हो जाऊंगा। ये हम तो सिपाही हैं, हिफाजत के लिए, ये शहर हो सरहद की, ये शहर हो सरहद की हिफाजत के लिए, और हम तो सिपाही है हिफाजत के लिए, शहरों सरहद की हिफाजत के लिए। ऐ वतन तुझ पे मैं लुटा दूंगा अपनी जान, ऐ वतन तुझ पे लुटा दूंगा अपनी जान तेरी हिफाजत के लिए। आज 5 अगस्त फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए हमें कभी थकना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए, कभी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा किसी भी काम के लिए जद्दोजहद करना चाहिए, न थक कर बैठ के तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुआ आसमान बाकी है, और लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि बीजियों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश के आने वाले नस्लों के बारे में, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारे मुल्क का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारे भीजियों का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।